इन दिनों लॉकडाउन के चलते जहां सारे देश में ना जाने कितनी ही तरह की चीजों को बंद कर दिया गया था, इससे सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ा था हमारी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को, जहां ना तो फिल्में शूट हो रही थी और ना ही टीवी सीरियल्स। इसके चलते हुआ ये कि पिछले काफी समय से हमें अपने टीवी अपने फेवरेट शोज के फ्रेश एपिसोड देखने को नहीं मिले। लेकिन दोस्तों, आपके लिए ये बड़ी खुशखबरी है कि जल्द ही आप सभी को अपने फेवरेट शोज के फ्रेश टेलीकास्ट देखने को मिलेंगे। जी हाँ, लेकिन एक स्ट्रिक्ट गाइडलाइन अब इन्हें दी गई है और अगर इन्होंने इस गाइडलाइन को फॉलो नहीं किया तो इन्हें शूट करने की इजाजत भी नहीं मिलेगी। पर बता दें कि द प्रोड्यूसर गिल्ड ऑफ इंडिया ने उद्धव ठाकरे से ये परमिशन ली है कि वो अपने फिर से शोज की शूटिंग को शुरू करना चाहते हैं। और बता दें कि उद्धव ठाकरे ने सभी शोज को फिर से शूटिंग करने की परमिशन भी दे दी है, लेकिन कुछ गाइडलाइंस के साथ ही। जी हाँ, किसी भी शो के सेट पर, किसी भी फिल्म के सेट पर कुछ ऐसी शर्तों को मंजूर किया जाएगा, कुछ ऐसी शर्तों को माना जाएगा, तभी उन्हें वहाँ पर काम करने की परमिशन मिल सकती है। अगर इन शर्तों के बारे में बात की जाए तो ये है, किसी भी सेट पर साफ सफाई का पूरा ध्यान रखा जाएगा, सबसे जरूरी चीज सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से ख्याल रखा जाएगा। इतना ही नहीं, सभी क्रू मेंबर्स के हैंड वॉश करना, सैनिटाइज करना ये भी जरूरी है। शूटिंग सेट पर, बाहर आने पर, अंदर आने पर और शो के सेट पर बार बार हाथ धोना भी अनिवार्य होगा। इसके अलावा सेट पर काम करने वाले लोगों को ट्रिपल लेयर मास्क और क्रू मेंबर्स को ग्लव्स दिए जाएंगे, जिससे उनकी सेफ्टी का पूरा ख्याल रखा जा सके। साथ ही ये शर्त भी रखी गई है कि हाथ मिलाना और ग्रुप में बैठकर चर्चा करना या ग्रुप में रहना यहाँ पर अलाउड नहीं होगा। सेट पर पूरी तरह की साफ सफाई का ख्याल रखा जाएगा। दरवाजा खोलने के लिए एक आदमी हमेशा वहाँ पर रहेगा। इसी के साथ ही इनमें ये भी लिखा गया है कि सेट को रेगुलर सैनिटाइज करना होगा, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जाएगा और तीन तरह से सैनिटाइज किया जाएगा, जिसमें हैंड वॉश, सरफेस सैनिटाइजर, स्पेस सैनिटाइज किया जाएगा। वॉश बेसन होना यहाँ पर कंपलसरी है और अगर हो सके तो नहाने के लिए बाथरूम होना भी बहुत जरूरी होगा। इसके अलावा हर शूटिंग के सेट पर COVID-19 हेल्प डेस्क होगा, जहाँ पर एक या दो आदमी हमेशा होंगे जिन्हें COVID-19 हेल्प मैन कहा जाएगा। इसके अलावा हर एक्टर को कलर बैंड दिया जाएगा, जिससे उन्हें उनके रोल के बारे में पता चल सके। इसी के साथ ही ये भी कहा गया कि 15 आदमी ही एक जगह इकट्ठे हो सकते हैं। इसके अलावा ये भी कहा गया कि अगर इनडोर शूट होती है तो सिर्फ 15 लोग ही होंगे और इन्हें बार बार सैनिटाइज किया जाएगा, अपने हाथ रेगुलरली धोने होंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जाएगा और आउटडोर शूट करने के लिए पहले परमिशन लेनी होगी, ताकि उन्हें ये पता चल सके कि रेड जोन एरिया कौन सा है, यहाँ लोगों की सेफ्टी का ख्याल रखा जाएगा। स्टंटमैन का टेस्ट कराना जरूरी होगा, ताकि अगर उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव होती है तो किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो और स्टंटमैन के लिए ये सारे रूल्स फॉलो करने जरूरी होंगे। अगर कोई इन नियमों का पालन नहीं करेगा तो उनकी शूटिंग कैंसिल कर दी जाएगी, उन्हें बिल्कुल भी अलाउड नहीं किया जाएगा शूट करने के लिए। तो दोस्तों, इन सभी शर्तों के साथ किसी भी प्रोड्यूसर को शो या फिर फिल्म शूट करने के लिए परमिशन दी जाएगी। अगर किसी ने भी इन नियमों का पालन नहीं किया है तो सभी जानते हैं कि उसका क्या अंजाम होगा, उन्हें कोई भी किसी भी तरह की परमिशन नहीं दी जाएगी। तो दोस्तों, हो जाइए तैयार, क्योंकि एक बार फिर से आपके फेवरेट शोज आने वाले हैं आपके टीवी पर। जी हाँ, अब आपका इंतजार होने वाला है खत्म, क्योंकि आपके वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है, बालवीर रिटर्न्स, ये रिश्ते हैं प्यार के, अलादीन नाम तो सुना होगा, जैसे तमाम सीरियल्स फिर से रेगुलर होने वाले हैं।